भाई लोग सबको जय जगन्नाथ, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो भाई लोग, पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ प्रॉब्लम के लिए मैंने टाइम टू टाइम अब वीडियो अपडेट करने को थोड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे। तो मैं अब कोशिश करूँगा कि टाइम टू टाइम वीडियो अपडेट करने के लिए। और भाई लोग, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ पार्सल ओपनिंग वीडियो, वो भी राइडिंग नी गार्ड्स और एल्बो गार्ड की। तो ये नी गार्ड प्रो बाइकर की, प्रो एक्स की होने वाली है, जो स्टील का है, और देखते हैं कैसा कंफर्टेबल है कि नहीं और सही चलेगा कि नहीं। तो पार्सल ओपनिंग करते हैं और देखते हैं। तो भाई लोग, ये रहा हमारा नी गार्ड और एल्बो गार्ड। इंस्ट्रक्शन में था कि इसमें चार ठो होंगे, दो एल्बो गार्ड और दो नी गार्ड्स। तो देखते हैं। और एक बात मैं बता दूं, जब मैंने रिसीव किया था तो इसका ना एक साइड फटा हुआ था, ये शायद, हाँ ये देख सकते हैं, ये पैकेजिंग बहुत ख़राब था। मैंने अमेजन से मंगवाया था, आप देख सकते हैं, मैं अभी तक खोला नहीं हूँ। और इस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अमेजन लिखा हुआ है, ठीक है। और ये ना पैकेट यहाँ से फटा हुआ है, तो देख लेते हैं ओपन करके क्या आता है, कैसा आता है, ठीक है। तो ये रहा वो नी गार्ड, और देखते हैं इसके अंदर एल्बो गार्ड है कि नहीं। और ये रहा उसका रिसिप्ट। तो भाई लोग, अमेजन से ये मुझे 995 रुपये में पड़ा, काफ़ी सस्ता था। बिगनर्स के लिए ये प्राइस सही रहेगा ख़रीदने के लिए, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए चीज़ चाहिए और उनके पास उनका बजट ज़्यादा नहीं होता है। तो बिगनर्स के लिए ये प्राइस मुझे लगता है सही रहेगा, क्योंकि इसके क्वालिटी के साथ। तो देखते हैं क्वालिटी कैसा है, मैं तो बोल दिया, देखते हैं ओपन करके कैसा है। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है, इस तरह से। अच्छा, ये कपड़ा मिला है भाई, जिसमें हम बाइक्स या इसको साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वगैरह ये सब देख सकते हैं आप, कितना बड़ा कपड़ा है, बहुत बढ़िया लगा। ये देखो भाई, ये तो बहुत अच्छी, अच्छा क्या मतलब, अमेजन ने तो ये कपड़ा मिला है मुझे एक्स्ट्रा, बहुत बढ़िया बात है। ये रहा एक एल्बो गार्ड, आप देख सकते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। ये रहा दूसरा एल्बो गार्ड, ये भी देख सकते हैं और साइड में रखते हैं। और ये रहा एक नी गार्ड, और ये भी रहा एक नी गार्ड, ठीक है। प्रो बाइकर की, प्रो एक्स का ये एल्बो गार्ड और नी गार्ड है। और ये पार्ट आपको काफ़ी, आपके बोन्स को सपोर्ट करने में बहुत मदद करेगा टूटने, अगर आप गिर जाते हो तो, ये जगह और ये जगह काफ़ी नर्म भी है, ये जगह आपको उतना पेनफुल नहीं लगेगा जब पहनते हो आप, ये उतना पेनफुल तो नहीं लगेगा। बाकी मैं आपको ये सब अपने ऊपर ट्राई करके दिखा दूंगा, खुद पहनूंगा और आपको भी दिखा दूंगा कि कैसा है ये सब। इसका क्वालिटी ना बहुत ही बढ़िया है, कैसे ही बताता हूँ। मुझे पहले जब देखता था तो इसको लगता था ऐसे दब जाएगा मतलब, लेकिन ये दबता नहीं है, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट दबता नहीं है। तो जब आप गिरते भी हो ना, तो आपको जो हड्डियाँ को उतना तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा,
ठीक है, तो बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, आप ये नी गार्ड भी, सॉरी एल्बो गार्ड भी देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन सा लगता है, सुंदर भी दिखता है। मैं आपको पहन के भी दिखा देता हूँ, एक ऐसा है। ठीक है, तो आप भाई लोग आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये था नीगढ़, अगर आप गिरते भी तो हो, ये देखा तो काफ़ी बहुत बढ़िया है। ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा बाइक राइड करने में इसमें, और मैं इसको पहन के बैठ भी जाता हूँ। बैठने में या जो नी फोल्डिंग करने में आपको उतना भी ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा। ठीक है, तो भाई लोग अब आते हैं एल्बो गार्ड के लिए। ठीक है, तो ये रहा एक एल्बो गार्ड। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल मेरे एल्बो की कवर करता है, और ये भी काफ़ी सही जगह लगता है, और बहुत बढ़िया है, और आपको काफ़ी हल्का भी लगेगा, उतना भारी भी नहीं है, और राइडिंग करते वक्त आपको उतना तकलीफ भी नहीं आएगा। हाँ, कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, लेकिन उतना भी नहीं, ये नेगोशिएबल है। ठीक है, और उतना हाथ को उतना पेन भी नहीं देता है आपको। ठीक है, और ये रहा दूसरा, इसको भी पहन लेते हैं। तो भाई लोग आप देख सकते हैं ये। ठीक है, और ये रहा मेरा नी गार्ड, और ये रहा एल्बो गार्ड। ये दोनों चीज़ उतना भी बड़ा नहीं है, आपको कैरी करने में थोड़ी दिक्कत हो अगर टूरिंग में जाते हो तो, आपका एक बैग में एक साइड में ये सब, ये चारों एक ही जगह रह सकता है। ठीक है, लेकिन बैग थोड़ा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा बड़ा बस, ताकि सब कुछ चीज़ उस बैग में आ सके। लेकिन अब एक छोटे बैग लो ना, तो उस बैग में एक छोट कर्नर में ये चारों एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, इसे कैरी करना उतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है। तो और मुझे बहुत बढ़िया लगा कि मुझे ये कपड़ा मिला अपने गाड़ी के लिए।
बहुत सारे लोग होते हैं कि वो घर में कोई आज मतलब ख़राब कपड़ा होता है और उसी से ही गाड़ी पोंछ लेते हैं, टंकी वगैरह, जिससे धूल मिट्टी लग जाए तो वो थोड़ा स्क्रैचेस होने के चांसेस होते हैं। जो शाइनी गाड़ी होते हैं ना, वो गाड़ी में थोड़ा मतलब स्क्रैचेस होने के चांसेस होते हैं। लेकिन मुझे ये कपड़ा मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको मैं गाड़ी के साथ यूज़ कर सकता हूँ। और हाँ, लेकिन इसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, टाइम वक्त के वक्त धोना वगैरह ये सब इसमें हो करना पड़ेगा। काफ़ी बहुत बढ़िया कपड़ा है ये, हाथ को भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है।